अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में मैं आज आपसे अपने जो घर की क्लीनिंग है, गर्मियों में मैं कैसे अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हूँ, कैसे अपने आप को ना थकाते हुए मैं अपने घर को नीट एंड टाइटली करती हूँ, तो आज आपके साथ वो शेयर करूँगी और बाकी जो थोड़ी बहुत रूटीन होगी आपकी साथ मैं अपने वो भी शेयर करूँगी। चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप जो है वो मज़े से देख सकें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो जी मेरे दिन का आगाज़ सुबह जल्दी हो जाता है लेकिन क्योंकि आज का व्लॉग मैं क्लीनिंग के हवाले से बना रही थी तो इसलिए फिर मैंने सुबह नाश्ते के टाइम का कोई क्लिप नहीं मैं बनाया। वैसे तो आजकल क्योंकि महद के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो सुबह मेरी थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद उसको भी उठा देती हूँ और थोड़ा बहुत उसको रिवाइज़ करवाती हूँ और फिर बाकी अपने जो घर के रूटीन के काम होते हैं साथ साथ वो मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा आजकल ये फ़ायदा है कि सुबह अगर आप जल्दी उठ जाए ना तो चीज़ें थोड़ी बहुत आप जो है ना वो समेट लेते हैं, लेकिन क्योंकि महद को आजकल मैं पढ़ा रही हूँ जिसकी वजह से जो है वो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, वरना अदरवाइज़ ये होता है कि जब मैं सुबह नमाज़ के लिए उठती हूँ ना तो उसके बाद फिर ये होता है कि थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग करनी होती है, क्लीनिंग से मुराद जो चीज़ें सेट करनी होती हैं वो मैं जगह पे अपने प्रॉपर पे रख देती हूँ ताकि बाद में जो है वो मैं ईज़ीली सफाई कर सकूँ। तो फिर भी जैसे ही माहद और उसके पापा जाते हैं उसी वक्त मैं जो हूँ अपने घर के काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। इससे ये होता है कि जितनी जल्दी आप सुबह सुबह काम करें ना तो उतनी ही जल्दी आपका जो है वो मतलब घर आप ठंडा रख सकते हैं। ये भी एक टिप है, वो कैसे वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ना मैं अपनी यहाँ पे चीज़ें सेट करती हूँ क्योंकि आजकल कमरों में कोई भी नहीं सो रहा, सब यहीं पे सोते हैं, दो बंदे ऊपर बेड पे सो जाते हैं, एक नीचे मैट्रेस पे सो जाता है, बस अल्टरनेट डेज़ पे जिसका जहाँ दिल करता है वो वहाँ पर वो सो जाता है। तो ये कि यहाँ पे सबसे पहले मैं एज़ यूजुअल आती हूँ तो आजकल सुबह वैसे मैं कुरान की तलावत लगा लेती थी लेकिन आजकल क्योंकि टाइम नहीं मिलता तो फिर बस इस टाइम पे मैं डायरेक्ट न्यूज़ ही लगाती हूँ। न्यूज़ लगाने से ये होता है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे साथ घर पे कोई है और कोई ना मुझसे बातें कर रहा है और मुझे कोई अपनी जो दुख भरी दास्तान है ना वो कोई सुना रहा है, तो इसलिए सबसे पहला मेरा काम ये होता है कि मैं न्यूज़ लगा लेती हूँ साथ साथ फिर अपने जो काम है। कुछ लोग तो ये होते हैं कि म्यूज़िक लगा लेते हैं, कुछ और लगा लेते हैं, लेकिन मेरे से ये चीज़ें लगा के काम नहीं होता, मुझे शायद शुरू से आदत नहीं है इस चीज़ की। हाँ न्यूज़ की भी मुझे आदत नहीं थी लेकिन ये कि अब आके जो है ना क्योंकि मैं बिल्कुल घर पर अकेली होती हूँ तो जिसकी वजह से जो है ना वो मैं न्यूज़ लगा लेती हूँ। इससे ये होता है कि आपको जो भी दिन में दुनिया में जो जो कुछ हो रहा है उसकी मालूमात मिलती हैं। अच्छा सबसे पहले ना मैं अपना टीवी लॉन्च सेट करती हूँ, बाकी घर तो तकरीबन मैस नहीं हुआ होता क्योंकि उस कमरों में आजकल कोई भी नहीं जाता, यहाँ पे एक रूम कूलर लगा होता है और सारा दिन यहीं पे खाना पीना भी और पढ़ना भी सोना भी यहीं पे आजकल हो रहा है। तो ये है कि सबसे पहले ये जो फ्लोर मैट्रस मैंने जो बिछाया हुआ है यहाँ पर इसको मैं अच्छे से झाड़ के तो इसको उठा देती हूँ। आजकल ठंडा ठंडा फर्श इतना अच्छा इतना मज़े का लगता है ना कि मैं दिन में ये फ्लोर मैट्रस जो है इसको मैं पीछे कर देती हूँ और ये होता है कि फिर आराम से आप जो अगर ज़मीन पे दिल भी करता है ना बैठने का तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के खाना खाने का। और मतलब कालीन और कारपेट से तो बहुत ज़्यादा सुकून जो है ना इस तरीके से, तो इसलिए फिर मैं ना इसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करती हूँ। वो मैं आगे आपको चल के बताऊँगी कि कैसे मैं अपने घर की जो फ़र्श को चमकाती हूँ। तो मैं कोई महंगे जो कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, मैं घर की जो घर में जो चीज़ें होती हैं मैं उसी के साथ उसी बजट में रह के ही अपने घर को जो है वो नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप महंगे प्रोडक्ट लेकर आएँ और उसके बाद अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें, उसमें भी कोई ऐसी कोई शर्त वाली बात नहीं है कि भाई आपका उसमें जर्म्स प्रूव होता है। होती हैं चीज़ें लोग डालते हैं यूज़ करते हैं लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं शुरू से ही नहीं करती। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे बेड सेट करती हूँ और बेड सेट करने के बाद जो है वो बाकी घर की जो थोड़ी बहुत चीज़ें सेट करने वाली होती हैं जैसे महद का रूम, वैसे तो आजकल महद का रूम नहीं है क्योंकि उसका बेड जो है वो हम लोगों ने बाहर निकाल के यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसका बेड वैसे ही नया लाने वाली हूँ, इंशाल्लाह विंटर आने से पहले पहले उसका जो बेड है ना वो मैं ले आऊँगी। ये एक्चुअली बेड नहीं था, इसकी भी एक लंबी कहानी है, वो फिर इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी क्योंकि आज मैं क्लीनिंग का व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो फिर बातें कहीं की कहीं निकल जाएंगी। तो यहाँ पे ये है कि महद के क्योंकि आजकल वो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि अपनी कहाँ पे उसकी कौन सी चीज़ पड़ी होती है,
मुझे ही सारी चीज़ें उसकी जगह सेट पे रखनी पड़ती हैं, लेकिन कोशिश बेचारा फिर भी करता है कि अपनी जगह पे कोई ना कोई जो है वो चीज़ रख ले। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं आज आपको मतलब व्लॉग में विश दिखाऊंगी, तो अचानक जब मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए आई तो मैंने कहा चले यहाँ का भी एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। ये बिल्कुल मेरी उंगली के बराबर से, मतलब मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं थी फ़िश माशाल्लाह से, ये दो थी, एक मर गई। उसके बाद फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं दूसरी कोई और लेकर आऊँ, तो माशाल्लाह से ये इतनी ज़्यादा खुश रहती है ना। बस इसका ये होता है कि मैं दो हफ्ते बाद या तीन हफ्ते बाद इसका पानी चेंज कर देते हैं, तो ये है कि ये अकेली ही बहुत खुश है। मुझे भाई ने कई दफ़ा जो है वो कहा है कि इसका मतलब एक और पेयर ले आते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो अकेली खुश है तो उसको अकेले ही खुश रहने देते हैं। अच्छा, बाकी घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली, झाड़ू मैंने आपको दिखाया था आज सुबह सुबह घर में छिपकली आ गई, हस्बैंड ने तोड़ दिया तो उसलिए फिर मैंने उसका क्लिप नहीं बनाया, जैसे तैसे भी था मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा लिया। मोपिक मैं कैसे करती हूँ आज मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि कैसे आप अपने घर के फ़र्श जो है वो चमका सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो है ना ये जो अपना मोप है ना, इसको मैं एक दिन छोड़ कर एक दिन मैं जो है ना सर्फ़ या शैम्पू वाले जो पानी है ना उसमें भिगो देती हूँ। भिगो के ना इसको अच्छे से ना मतलब निचोड़ के उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ डस्टिंग घर की। डस्टिंग डेली किया करें, गर्मियों में डस्टिंग लाजमी किया करें। सर्दियों में तो फिर भी मैं दो तीन दिन बाद करती थी, लेकिन गर्मियों में मेरी डेली की रूटीन है, मैं डस्टिंग लाजमी करती हूँ। तो इससे ये आपका घर में बड़ा अच्छी और फ्रेश लुक आती है। हर चीज़ को मैं उठा के अच्छे से जो है नीचे मोपिंग करती हूँ। अच्छा, जब डस्टिंग सारे घर की कर लेती हूँ तो सर्फ वाला पोछा लगाने के बाद डस्टिंग करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं फरनाइल वाला जो पोछा है ना फिर मैं वो लगाती हूँ। यानी एक दिन में मतलब एक टाइम पे मैं दो दफ़ा पोछा लगाती हूँ। इससे ये होता है कि जब मैं फर्श चमकाने के लिए मैं शैम्पू या मैं सर्फ़ डायरेक्ट नहीं होता, सर्फ़ को अच्छी तरह डाइल्यूट कर लेती हूँ मैं पानी के बीच, बिल्कुल थोड़ी सी सर्फ़ लेती हूँ और उसके बीच उसको मोप को भिगो देती हूँ। उससे बड़ा ये होता है कि मोप अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, और फिर जब आपका मोप अच्छे से साफ़ होगा ना आपका फ़र्श ऑटोमेटिकली नीट एंड क्लीन होगा। और फिर हफ्ते में कह रही हूँ दिन में मैं दो दफ़ा मोपिंग करती हूँ। झाड़ू मैं दिन में एक ही दफ़ा लगाती हूँ, शाम के टाइम पे यानी असर की नमाज़ के बाद मैं एक दफ़ा फिर जो है ना पूरे घर की मोपिंग करती हूँ। उससे ये होता है कि आपका घर ना बहुत ज़्यादा चमकता है, शाम के टाइम में एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है, आपको घर ठंडा ठंडा फील हो रहा होता है, ऐसा लगता है कि आपने घर जो है वो मतलब अभी अभी सफाई की है। अगर ये टिप आप ज़रूर अपना के देखिएगा, आपको देखना आपकी फ़ीलिंग ही अलग हो जाती है। गर्मी की वजह से वैसे ही इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और इस तरीके से हो जाता है। और फिर फरनाइल का पोछा मैं डेली लगाती हूँ दो दफ़ा दिन में, लेकिन ये कि जो सर्फ़ और शैम्पू का जो है ना मोप वो मैं एक दिन छोड़कर एक दिन लगाती हूँ। अगर तो मुझे फ़ील आए जैसे वीकेंड होता है, ज़्यादा घर में आना जाना और घूमना फिरना होता है, तो ये होता है कि फिर मैं हफ्ता एतवार दोनों दिन जो है वो सर्फ़ का पोछा लगाती हूँ, वरना बाकी अल्टरनेट डेज़ पे जो है वो करती हूँ। अच्छा, जैसे मेरे घर की सारी क्लीनिंग होती है ना तो आजकल मैं क्या करती हूँ, फ़ौरन से कर्टन वगैरह आगे कर देती हूँ, दरवाज़े बंद कर देती हूँ। इससे ये होता है कि रात पूरी रात रूम कूलर चला होता है, पूरा घर ठंडा होता है, तो इससे बड़ी अच्छी जो है ना ठंडी ठंडी दीवारें हुई होती हैं, और फिर मेरे पंखे के साथ ही मेरा दोपहर तक बड़ा अच्छा से गुजारा हो सकता है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जैसे ही घर की सुबह सुबह, शर्त यह है कि आपने क्लीनिंग सुबह सुबह करनी है। अगर आप क्लीनिंग अगर आप कहेंगे मैं दोपहर को 11-12 बजे करूँगी तो फिर आपके घर में वैसे हीट हो जाएगी, और फिर उस टाइम पे गर्मी भी आपको फील होगी, चिड़चिड़ापन भी होगा। तो कोशिश किया करें जितनी अर्ली आप घर को नीट एंड क्लीन करेंगे आपका घर उतना ही ठंडा, और आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा मतलब फ़ील भी आएगा और सुकून भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, क्योंकि फिर उसके बाद वही मेरा नाश्ता और दूसरा मेरा पर्सनल जो काम होते हैं घर के वो मैं करती हूँ, और उसके बाद फिर महद आजकल क्योंकि 11:30 बजे घर आ जाता है, वो उसको मतलब दोबारा से मैं नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, क्योंकि सुबह वो बिल्कुल भी सही से नहीं करके जाता। और फिर मैं खाना वगैरह जो है वो उसको देती हूँ, मतलब वो मतलब थोड़ी देर वो रेस्ट करता है, फिर दोपहर का खाना वगैरह देती हूँ और फिर उसको पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। ये पढ़ के फारिग हो गया था और ये अपना प्रैक्टिकल कर रहा था, मैं बना रही थी किचन में खाना, तो कहता है मामा देखें जादू हो रहा है। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूज़ को दिखाती हूँ कि देखें जी मेरा बेटे को जादू करना आ गया है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, माँ कितनी भी तकलीफ़ में हो, थकी हुई हो, इस तरह के बच्चों की ये हरकतें देख के ना वैसे ही दिल खुश हो जाता है। तो मैंने कहा चले मैं एक छोटा सा क्लिप बनाती हूँ, और इन फ्यूचर ये कल को बड़ा होकर देखेगा कि मैं कैसी कैसी हरकतें करता था। तो मैं उसको अक्सर कहती हूँ, तंग करती हूँ
कि मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, कल को आप देखिएगा कि आप मुझे कितना तंग किया करते थे और कितना मुझे सताया करते थे। अच्छा यहाँ पे आ गया, यहाँ से भी मुझे बस जब इसका मूड होता है ना मामा को तंग करने का तो फिर ये कोई मौका नहीं छोड़ता। और मैं इस टाइम पे इसको गुस्सा करती कि महत बस शाम का टाइम है, मत इतना हंसो, इतना जो है ना नहीं इस तरीके से करना चाहिए, शाम का टाइम है। तो कहता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो खेल रहा हूँ। तो बस ये अपनी मस्तियाँ कर रहा था। और इससे मैंने आज वैसे भिंडियाँ बनानी थी लेकिन इसको गुस्सा आ गया, कहता है मैं भिंडी नहीं खाऊँगा, मैं खाना ही नहीं खाऊँगा अगर आज आपने भिंडी बनाई तो। फिर मैंने भिंडी धो के मैंने फ्रिज में रख दी और यहाँ पे इसकी हरकतें देखें, ऐसी मस्तियाँ करता है ना किसी किसी टाइम पे। मतलब माशाल्लाह से 11 साल का होने वाला है लेकिन अभी भी इसकी शरारतें ऐसे 1-2 साल के बच्चों वाली हैं। तो घर अगर आपने साफ़ सुथरा रखा हो ना, नीट एंड क्लीन रखा हो तो बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, वरना बच्चे भी यकीन करें घर गंदा हो तो तंग भी करते हैं, चिड़चिड़े भी होते हैं और मैस क्रिएट करते हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह से ऐसा है, अगर मैस क्रिएट करता भी है तो वो मुझे तंग नहीं करता, दोबारा से वो अपनी चीज़ें सेट कर देता है, लेकिन किसी दिन बहुत ज़्यादा तंग भी करता है। तो बस ये तबीयत अभी तक मेरी सेट नहीं हो रही है। रात को भी मैं गई थी, मुझे ड्रिप लगी थी, इंजेक्शन भी लगा है, गला भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या बात है, शायद मैं बिल्कुल कूलर वगैरह के आगे सोती हूँ। मतलब मुझे आजकल ना गर्मी इतनी फील हो नहीं रही है, तो मतलब शायद अंदर मेरी बुखार बैठ गया है क्या। खैर डॉक्टर कह रहे थे अभी 1-2 दिन ड्रिप्स लगेगी, एंटीबायोटिक लगेंगी तो फिर जाके आपकी तबीयत जो है वो सेट होगी। तो ये कि मैंने चावल बनाए थे, चावल मैंने जो है वो बड़े दिन हो गए थे, मैं बस इसी तरह सा नरम गज़ा खा रही थी, दिल कर रहा था दाल चावल बना के खाने का, तो बस मैंने लाइट सा दाल चावल बनाए थे, बिल्कुल पतली सी दाल बनाई थी। किस किस को इस तरह की दाल गर्मियों में खाने का तो दिल करता है, रोज़ ही दाल चावल मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है, और किसी चीज़ को यकीन करें दिल नहीं करता, या दिल करता रायता हो और या रोटी हो या चावल, इस तरह से बस इस तरह की चीज़ों को दिल करता है, और मतलब बाकी ऑयली और इस तरह की गर्मी की वजह से ना दिल करता ही नहीं है। अच्छा जी खाना मेरा रेडी हो चुका हुआ था, मैंने हस्बैंड और बेटे को दे दिया था, मेरा उस टाइम पे दिल नहीं कर रहा था, और फिर उस टाइम मैंने क्लिप भी नहीं बनाया, तो मैंने कहा छोटा सा एक क्लिप भी बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि मज़ेदार जिस चीज़ का दिल कर रहा है दाल चावल खाने का तो वो बनाएँ और वो ख़ुद खाएँ। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है, क्या चीज़ आपको मेरे व्लॉग में अच्छी लगती है, क्या देखना आपको मेरे व्लॉग में अच्छा लगता है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की वीडियो बनाऊँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा ताकि मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का और ख़ास कर इस गर्मी में बुज़ुर्गों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।